स्टार्ट आखिर लगभग 6 साल की लंबी उड़ीक तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टिया की फीडिंग उत्ते आधारित इलैक्ट्रोल बैंक बांड स्कीम संबंधी दाखिल हुई पटीशनों उत्ते 31 अक्तूबर तो सुनवाई शुरू कर दिती है। डंडी ये स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार वेले 2 जनवरी 2018 नूं पार्लीमेंट तो कानून बनवा के लागू की गई सी। डंडी इस स्कीम अधीन कोई भी कंपनी जा कोई भी व्यक्ति जा एक तो वधेरे व्यक्ति इकट्ठे होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इलैक्ट्रोल बैंक बांड बनवा के अपनी इच्छा अनुसार कौमी जा खेतरी मानता प्राप्त पार्टियां जिन्होंने किसी भी चोण विच भुगतियां कुल वोटां विचों घट्टो घट 1% वोटां प्राप्त कीतियां होण दे खाते विच जमा करवा सकते हैं। डंडी इस स्कीम अधीन देश दे नागरिक बैंक बांडा राही पैसे देन वालियां कंपनियां जा व्यक्तियां दे नावां तो जाणू नहीं हो सकते अते ना ही इस गल तो जाणू हो सकते हैं कि बैंक बांड खरीद के किसी ने किस पार्टी दे खाते विच जमा करवाए हैं। डंडी ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है। डंडी इस बैंक बांड स्कीम का सब तो वध फायदा केंद्र अते बहुते राज्यां विच सत्ताधारी पार्टी भाजपा नूं होया है। डंडी इलैक्ट्रोल बैंक बांडा राही 70% तो वध चोन फीडिंग भाजपा नूं ही स्टार्ट भाजपा नूं ही प्राप्त होई है। डंडी हर कौमी अते खेतरी पार्टियां नूं इस स्कीम राही बहुत घट धन प्राप्त होया है। डंडी विरोधी पार्टियां पिछले कई सालों तो इस स्कीम दी ए कह के आलोचना कर दियां रहियां हन के केंद्र विच सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने असर रसूख नाल व्यापारियां अते सनतकारां उत्ते दबा पा के बैंक बांडां राही वध तो वध धन प्राप्त करन विच सफल हो जांदी है। डंडी दूजे पासे विरोधी पार्टियां नूं इस स्कीम कारण चोणां लई अते पार्टियां चलाउण लई वड्डी पद्धर उत्ते धन दी कमी दा सामना करना पैंदा है। डंडी भाजपा दा कौमी अते खेतरी पद्धर उत्ते चोणां विच मुकाबला करन लई उन्हां कोल लोड़ी दे साधन नहीं हुंदे। डंडी इस तरह नाल देश दी जमहूरियत वित्ती साधना दे पक्ष तों इक पासड़ खेड बन के रह गई है। डंडी इस गल नूं मुख रख के कई विरोधी पार्टियां ने अते कई चोण सुधारां लई काम करन वाले गैर सरकारी संगठना ने सुप्रीम कोर्ट विच रिटां पाईयां होईयां सन अते इन्हां रिटां विच मंग कीती गई है कि इलैक्टोरल बैंक बांड स्कीम नूं रद्द कर दिता जाए। डंडी इन्हां पटीशनां विच ए मुद्दा भी उठाया गया है कि देश दे लोकां नूं ए जानन
ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ